नमस्कार दोस्तों, फिर से एनालिसिस की दुनिया में आपका स्वागत है। और आज हम बात करने वाले एक शिपिंग कंपनी की। जी हाँ, शिपिंग इंडस्ट्री में हमें लग रहा है जो फ्यूचर है वो बहुत ही ब्राइट है, क्योंकि अगर बात करें सरकार की तो सरकार का पूरा फोकस शिपिंग के ऊपर भी जा रहा है। डिफेंस में हमने हर तरह की बातें की हैं, बट अगर हम बात करते हैं कार्गो की, लॉजिस्टिक्स की और मैरिटाइम रूट्स की, तो शिपिंग इंडस्ट्री को आप इग्नोर नहीं कर सकते। वो इंडस्ट्री है जहाँ पे अगर माल भाड़ा जो है सबसे कम पड़ता है, जिसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट सबसे कम पड़ती है, और सबसे बड़े बड़े वेसल्स में आप ज्यादा से ज्यादा कार्गो को इधर से उधर लेके जा सकते हैं। तो यहां पे ये इंडस्ट्री इतनी इंपॉर्टेंट क्यों हो जाती है? जिस शेयर की मैं बात कर रहा हूं, क्या वो 2,000 रुपए जा सकता है? अभी भाव 250 रुपए के आसपास में चल रहा है। एक व्यूअर ने लिखा, मुझे काफी अच्छा लिखा, सबसे पहले आपका धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने कहा कि सर इसके ऊपर वीडियो बनाइए। देखिए, मैं आप ही की कमेंट से कमेंट्स चूज करता हूं वीडियोस बनाने के लिए। मुझे समझ में आता है कि आप किसी कंटेंट के बारे में क्या सुनना चाहते हैं, उस कंपनी के बारे में क्या सुनना चाहते हैं, तो मुझे जो सबसे बेहतरीन कमेंट दिखाई देते हैं उन शख्सों में चूज करता हूं। आज हमने चूज किया है शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, भारत सरकार की एक नवीनतम कंपनी जो ट्रांसपोर्टिंग गुड्स एंड ट्रांसफॉर्मिंग लाइव्स के नारे के साथ में काम कर रही है। आजादी का अमृत महोत्सव मना चुके हैं, 78th इंडिपेंडेंस डे की आप सबको बहुत बहुत बधाई। उम्मीद करता हूं हम सब इस देश को आगे लेके जाएंगे और हमारा जो यूथ है वो सट्टे से हटके इन्वेस्टमेंट की तरफ आएगा और सोचेगा इस पैसे की इंपॉर्टेंस क्या है जो आप कमा रहे हैं, या जो आने वाली नस्लें कमाने वाली है उसको कहाँ लगाना है, कैसे निवेश करना है, इसको सीखिए, समझिए। बाजार से बढ़िया जगह कोई नहीं है। आई विश यू ऑल द लक इन लाइफ। बात करते हैं SCI की, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की। पर उससे आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, मुझे एक चीज को आपको बताना पड़ रहा है कि आजकल बहुत मैसेज आ रहे हैं सब फेक टेलीग्राम चैनल्स पे, स्कीमें बांटी जा रही हैं, 2 का 4, 2 का 20, ओवरनाइट 24 से 48 घंटे में पैसे डबल हो जाएंगे। ऐसा मत कीजिए। किसी भी कंटेंट क्रिएटर को जिसको आप फॉलो करते हैं, आपको उसकी वीडियोस में जाना है। वीडियोस में आप किसी भी वीडियो को क्लिक करेंगे, उसके नीचे आप डिस्क्रिप्शन में जाइए। देखिए, बार बार हर वीडियो में क्यों कहना पड़ रहा है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आखिरी तक आप वीडियो देखते नहीं है, है ना। कंटेंट तो बाद में देख लेंगे, पर ये वार्निंग बहुत जरूरी है। उसके सारे सोशल मीडिया लिंक, जैसे मेरे डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल मीडिया लिंक्स है, वैसे ही आपको उस कंटेंट क्रिएटर के सोशल मीडिया लिंक जो ऑथेंटिक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिलेंगे। वहीं से आपको ज्वाइन करना है। आप ज्वाइन करेंगे तो आप देख सकते हैं मेरे चैनल के ऊपर में आपको एक भी इंफॉर्मेशन ऐसी नहीं है जहां पे मैं कोई आपको 2 का 4 करने की सलाह दे रहा हूं या ऐसी कोई स्कीम चला रहा हूं। तो प्लीज, अगर मेरे नाम से ऐसे टेलीग्राम चैनल में आप फंस रहे हैं तो आपको बचना बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ पे सिर्फ और मेरी सिर्फ वीडियोस आएंगी, बाकी किसी शेयर की टिप्स भी आपको नहीं दी जाएगी। दिल्ली की क्लास की अगर आप बुकिंग करना चाहते हैं, सिर्फ 5 सीट बची हुई है, यहाँ पे शायद 4 या 5 सीट बची होंगी, तो मुश्किल से आप देखिए 32,000 रुपये फीस है। पूरी डिटेल्स मैंने इसके बारे में क्या है, कैसे बुकिंग करनी है, पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ मिल जाएगी। लोगों ने कहा क्लास में क्या सिखाओगे, आपको कुछ परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप लोगों के लिए एक्सक्लूसिव वीडियो बना के डाल दिया गया है, अनाउंसमेंट वेल्थ क्रिएशन मास्टर क्लास प्लेस न्यू दिल्ली 24 अगस्त, क्या सिखाएंगे क्लास में, इसको जाके देख लो। ज्यादा मार्केटिंग करने की जरूरत नहीं, यहीं पर आपको दिख जाएगा क्या सीखना है। अगर आपको लगता है क्लास में आना चाहिए, आइए, नहीं तो आप इंटेलिजेंट है। हम बढ़ते हैं सुजलोन की तरफ। जी नहीं, सुजलोन का चार्ट खुला हुआ है, हॉट फेवरेट है मेरा, इसलिए हमेशा चार्ट के ऊपर कोई ना कोई ऐसा फेवरेट स्टॉक मिल ही जाएगा। अभी हम बात करने वाले हैं शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की। ये कंपनी क्या कह रही है, चार्ट क्या कह रहा है, क्या इसमें कोई पोजीशन बनाई जा सकती है, क्या बॉटम बन रहा है, क्या टॉप बन रहा है, ये सब करने के लिए आपको एनालिसिस का सहारा लेना ही होगा। एक मल्टी बैगर कंपनी बन सकती है, कोई इसमें शक नहीं है। राउंडिंग बॉटम या कह सकते हैं कंसोलिडेशन, बहुत लंबे समय की कंसोलिडेशन इस स्टॉक के अंदर दिखाई दे रही है। देखिए, पहले आपको बता दूं, जिस कंपनी में जितना लंबा कंसोलिडेशन है, जितना लंबा राउंडिंग बॉटम फॉर्मेट होगा, उसके उतने बड़े टारगेट हो जाते हैं। शिपिंग इंडस्ट्री के अंदर अब जाके कुछ जान आने की बातें हो रही है, और यहां से अगर देखें तो बहुत ही बड़ा राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन ये कंपनी तय करती दिखाई दे रही है। 200 रुपए के ऊपर में इस स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया है, उसको सस्टेन कर रही है। मंथली चार्ट के ऊपर वॉल्यूम दिखाई दे रहा है, स्ट्रेंथ अभी भी बनी हुई है। तो कहीं ना कहीं ये तो क्लियर है कि इसके अंदर बायर जो हैं, बायर इंटरेस्टेड दिखाई दे रहे हैं। हाँ, ये अलग बात है कि ऊपर जाएंगे तो प्रॉफिट बुकिंग आती रहेगी। आप स्टॉक्स देख सकते हैं कि इनकी जो विक है, विक ऊपर की साइज में काफी बड़ी बड़ी विक्स मिल रही हैं। तो एक्चुअली होता है एक लेवल क्रॉस करने के बाद ना स्टॉक के ऊपर में सेलिंग आनी स्टार्ट हो जाती है। कुछ सप्लायर्स बैठे होते हैं, सेलिंग जोन्स होते हैं, जहां पे लोगों के पास पुराना माल पड़ा होता है, या तो वो पुराना माल बेच रहे होते हैं, या जिनको लगता है यार नहीं ये नहीं जानी चाहिए, उसको शॉर्ट करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे अगर कंपनी फ्यूचर में F&O में है तो शॉर्टिंग अलाउड होगी, इक्विटी में होगी शॉर्टिंग अलाउड नहीं होगी। तो हर कंपनी को देखिए कि वो जो जोन्स है वो आइडेंटिफाई करने की कोशिश कीजिए। अगर यहाँ पे अभी भी बाइंग हो रही है तो हाँ, इसमें कुछ बायर्स तो इसके अंदर में है। इसी में से एक और कंपनी निकली है, उसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, बट अभी हम प्योरली शिपिंग की कंपनी की बात कर रहे हैं, जो अभी सिर्फ 270 रुपए के आसपास में, 270 रुपीज के आसपास में ये ट्रेड कर रही है। कैन इट रियली बिकम अ मल्टी बैगर? इफ वी लुक एट द 5A13 सेटअप व्हिच हैपेंड हियर, 120 रुपए के भाव पे 121 रुपीज के आसपास में ब्रेकआउट हुआ। दिस कंसोलिडेशन विद वॉल्यूम इज हैपनिंग, दिस ब्रेकआउट हैज हैपेंड। तो जैसा मेरा सेटअप है, आई ऑलवेज वाउच फॉर 4x टू 5x टारगेट्स जब भी 120 को क्रॉस करती है। ये मैं ऐसे
देखने की कोशिश करता हूँ ये होता है नहीं होता, ये आप बैकटेस्टिंग कीजिए। किसी तरह की बाइंग सेलिंग एडवाइस ना समझे, मैं गलत हो सकता हूँ, ड्रास्टिकली गलत हो सकता हूँ, मैं मेरा एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। मैंने देखा है कि अगर मैं यही हिसाब से देखूँ तो 480 से लेके 600 रुपीज तक के तो इमीडिएट टारगेट्स इसके बन जाते हैं मेरे हिसाब से, राइट? ठीक है, पर अगर ये फेल हुए तो ड्रास्टिकली फेल भी हो सकते हैं। बट कहीं ना कहीं क्योंकि ये कंपनी सरकार की है कि तो इसमें आप पैनिक क्रैशेज की बात नहीं कर सकते। कंपनी का क्या काम है देख सकते हैं, कंपनी देख सकते हैं, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इज एंगेज इन्वॉल्व्ड इन बिजनेस ऑफ ट्रांसपोर्टिंग गुड्स एंड पैसेंजर्स, दोनों ही चीजें करती है गुड्स को और पैसेंजर को, एंड इट इज द लार्जेस्ट इंडियन शिपिंग कंपनी इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटी विद अ डाइवर्सिफाइड फ्लीट प्रोफाइल। इससे बढ़िया प्रोफाइल आपको नहीं मिल सकता, ये पैसेंजर कम कार्गो प्रोफाइल इनके पास में है। यहाँ पे फ्लीट की बात करते हैं, कंपनी 59 वेसल्स है, 32 टैंकर्स है, 15 बल्क कैरियर्स है, 2 लाइनर्स है, 10 ऑफशोर सप्लाई है और कैपेसिटी ये है। बिजनेस सेगमेंट की बात करते हैं, टैंकर से 67% बिजनेस आ रहा है, बल्क से 13% बिजनेस आ रहा है, लाइनर से 9% बिजनेस आ रहा है, डाइवर्सिफाइड है, इंडिया की एकमात्र सबसे बड़ी कंपनी। ज्योग्राफी की बात करते हैं तो यहाँ पे वो देखिए धंधा इंटरनेशनल कर रही है, 77 इंडिया से आ रहा है, 9% बिजनेस सिंगापुर से आ रहा है, उसके बाद अदर कंट्री से 14% कंट्रीब्यूशन है। जो क्लाइंट्स कमाल के, आईओसी से 13% रिवेन्यू आता है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम से 9% का रिवेन्यू आता है, तो ये बहुत बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं। इसके अलावा अगर क्लाइंट्स के भी नजर डालेंगे तो भैया ये आपको और ज्यादा खुश करने वाले हैं। देखिए आईओसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल, एमआरपीएल, सीपीसीएल, ओएनजीसी, रिलायंस, नायरा एनर्जी, एनकेन एनर्जी, शेल, बीपी, मतलब ऐसा कोई नाम आपको दिखाई दे रहा है जो आप ना सुनना चाहें? इतना बड़ा क्लाइंट बेस, सारा का सारा जाइंट क्लाइंट बेस, ये सभी क्लाइंट बेस मिलके इस कंपनी को ऑटोमेटिकली मल्टीबैगर बना देते हैं। बात करते हैं उस कमेंट की कि क्या ये 2000 हो सकता है या नहीं है। देखिए मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि कंपनी को भर के बैठ जाइए 2000 हो जाएगी, पर अगर मुझे टारगेट्स निकालने भी है तो टारगेट्स निकालने के लिए मेरे पास एक बॉटम होना चाहिए, एक टॉप होना चाहिए, कंसोलिडेशन होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर मैं फिबोनाची को कंसल्ट करता हूँ तो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ यहाँ पे के जो इसके जो अल्टीमेट टारगेट्स हैं, अल्टीमेट टारगेट्स एक्चुअल में 2000 रुपए तक के निकल के आ रहे हैं, और इनफैक्ट 2000 से भी ऊपर तक के 2400 रुपए तक के टारगेट स्टॉक के निकल के आ रहे हैं। शर्त क्या है? शर्त यह है कि जो बिजनेस है वो बढ़ना चाहिए, ऑर्डर्स मिलने चाहिए, अगर ऑर्डर्स मिलते रहेंगे तो ठीक है, नहीं तो इमीडिएट टारगेट्स की बात करते हैं। फिलहाल ये स्टॉक 385 रुपीज से गिरता हुआ आ रहा है, 385 से 270 के आसपास में आ गया, अच्छी खासी इसी करेक्शन हुई है, 61% को इसने, 250 को इसने एक मेजर सपोर्ट की तरह ट्रीट किया है। तो यहाँ पे अगर कोई भी स्टॉप लॉस होगा, 270 के आसपास में चल रहा है, 250 का इमीडिएट स्टॉप लॉस रखना ही होगा। स्टॉप लॉस क्यों रखना होगा? आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, आपका व्यू गलत हो गया तो क्या करेंगे? नुकसान सिर्फ इतना सा ही हो, ऐसा ना हो 270 की चीज 170 आ जाए, 270 या 170 आ जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आपके पास में हमेशा एक स्टॉप लॉस होना चाहिए, और प्लीज इसको टिप मत समझिए, ये एनालिसिस है। साफ साफ फिबोनाची कह रहा भैया 247 का एक गोल्डन रेशियो है, 0.6 बहुत ही इंपॉर्टेंट रेशियो होती है, बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है, ये स्टॉप लॉस है। 308 के ऊपर में ब्रेकआउट होगा, नेक्स्ट टारगेट मिनिमम 385, और उसके ऊपर तो इसका जो स्विंग टारगेट्स है वो तो खुल ही जाएंगे 600-700 रुपए। इसके हिसाब से 600 रुपए आ गया, मैंने आपको कहा था 120 से ब्रेकआउट हुआ है, 4x और 5x की बात करते हैं तो इसके हिसाब से 480 से लेके देखिए 380 और 480 और 5x जो है 600 रुपीज, तो ये टारगेट मेरे हिसाब से तो मैच हो रहे हैं। बाकी लेना है या नहीं लेना, आप इस स्टॉक को लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते ये आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में। आपका व्यू चाहूंगा कि आपको क्या लगता है, क्या शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया भी एक सरकारी मल्टीबैगर हो सकती है? क्योंकि मोदी जी कहते हैं कि जितनी सरकारी कंपनियां हैं जो लोग पसंद नहीं कर रहे हैं वो सबको मैं मल्टीबैगर बना दूंगा। तो आपकी क्या राय है प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो जरूर कमेंट कीजिएगा, दोस्तों शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि ऐसे कंटेंट आपसे मिस ना हो। थैंक यू सो मच। जय हिंद।